हेलो फ्रेंड्स, एवर वंडर्ड अबाउट द सीक्रेट रेसिपी फॉर अ ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल स्किन? कभी सोचा है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जिसको यूज़ करने से ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन मिलती है? सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट दैट। हमारी स्किन सबसे ऊपरी लेयर होती है और यह बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, इसीलिए स्पेसिफिक पार्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करना चाहिए। हम रेगुलर अपनी स्किन को क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करते ही हैं। उसके बाद से बहुत से लोगों में यह इशू होता है कि उनकी स्किन डल है, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है या उनको नेचुरल ग्लो का प्रॉब्लम आता है और वह ऐसे प्रोडक्ट्स का को ढूंढते रहते हैं जिनसे उनको सॉल्यूशन मिल सके। उन्हें ये फील होता है कि जो ग्लो हमारे स्किन को मिलना चाहिए, जो नेचुरल ग्लो मिलना चाहिए, वो हमारे स्किन पर नहीं आ रहा है। जैसे हम अपने बॉडी के को सप्लीमेंट्स के थ्रू या खाने के थ्रू न्यूट्रिशन देते हैं, वैसे ही हमें हमारी स्किन को भी एक न्यूट्रिशन देना पड़ता है। हमें हमारी स्किन के पोर्स को डर्ट से, ब्लैकहेड से एंड डेड स्किन से अनक्लॉक करना पड़ेगा। हमें हमारे पोर्स को क्लीन करना है, ना कि खाली स्किन को। देन वॉटर स्क्रबिंग एंड एक्सफोलिएटिंग, ये स्क्रबिंग क्या होता है? कभी कभी हम स्किन को जब टच करते हैं यहाँ पे या अपने फेस पे, तो हमें एक रफनेस फील होती है, एक ड्राइनेस फील होती है। ये होता है डेड सेल्स, हमारे स्किन के डेड सेल्स। इसको हम अपने स्क्रब के द्वारा रिमूव करते हैं। स्क्रब में, क्रीम में कुछ बीट्स डले हुए होते हैं जो आपके डेड सेल्स को क्लीन करते हैं, और उसमें जो क्रीम होती है वह आपके स्किन को नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन देने का काम करती है। तो आज हम बताएंगे एश्योर के नेचुरल फेस स्क्रब के बारे में। इट इज़ एनरिच्ड विद गुडनेस ऑफ रियल पपाया एक्सट्रैक्ट, विच इज़ वेल नोन फॉर एंटीऑक्सीडेंट, एंड यह हमारे डेड स्किन सेल्स को जेंटली रिमूव करता है। पपाया में विटामिन सी भरपूर होता है और विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, चाहे वह अनइवन टोन हो या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो। यह डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, यह आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। अगर आप स्क्रब का यूज़ नहीं करते तो आपकी स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्क्रबिंग डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करता है। इट प्रमोट्स बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर स्किन प्रोडक्ट्स। जब आप अपने स्क्रब से अपने फेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको वॉश करते हैं, एंड देन आप कोई भी दूसरी क्रीम का एप्लीकेशन अपनी स्किन पे करते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। यह आपके एक्ने की प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा, स्किन को एक अलग ग्लो देगा, एंड देन आपके टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करेगा। इट प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर एजिंग, एंड आपके फेस पर जो हेयर्स होते हैं उसकी ग्रोथ को भी यह रिड्यूस करता है। सनबर्न की प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को होती है, सनबर्न की हीलिंग को प्रमोट करता है। इस स्क्रब का सेकेंड इंग्रेडिएंट है अगर, यह आपके स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को डिस्टर्ब होने से रोकेगा। कई बार हमें मार्केट से स्क्रब जो लेके आते हैं उसका यूज़ करते हैं, तो फेस होने के बाद हमें एक ड्राइनेस फील होती है और एक खिंचाव सा फील होता है। यह पपाया एक्सट्रैक्ट और अगर, ये दोनों चीज़ें आपको उस खिंचाव से बचाएंगी। देन आपको पता है कि पैराबेन और सल्फेट कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके स्किन को हार्म कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट टोटली पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और वीगन है, जो आपके स्किन को हार्म नहीं करने देता। सो फ्रेंड्स, इतने बेनिफिट्स जिस स्क्रब में हो उसे आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करें और अपनी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाएं। विश यू वेल्थ।